जय हिंद दोस्तों। देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही स्कूल खोले जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से 8 राज्यों में सीनियर बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों में अगले सप्ताह से स्कूल खोलने की तैयारी कर ली है। दरअसल हाल ही में जारी राष्ट्रीय जो सर्वे हुआ है उसमें रिपोर्ट में कहा गया कि फिलहाल बच्चों को कोरोना का कोई खतरा नहीं दिख रहा है, इसी कारण स्कूल को खोला जा रहा है। देश के कई राज्यों में अगस्त माह के पहले सप्ताह में ही स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। राजस्थान में 2 अगस्त से यानी कि सोमवार से स्कूल कॉलेज जो है वो खोल दिए जाएंगे। हालांकि यहाँ भी फिलहाल सीनियर क्लासेस के लिए ही स्कूल को खोला जा रहा है, वो भी आधी संख्या में। राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से स्कूल खोले जा रहे हैं। यहाँ पे पहले से 10वीं 12वीं के बच्चों को बुलाया जाएगा और 50% अटेंडेंस पर ही बच्चों को बुलाया जाएगा। दिल्ली की बात करें तो कोरोना मामलों को कम होता देख दिल्ली सरकार पर भी अब स्कूल खोलने का दबाव बन गया है। इसी के मद्देनज़र दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 1 अगस्त तक दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेजों को खोलने का फैसला ले लिया जाएगा। हालांकि इसके एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि स्कूल खोलने को लेकर अभिभावक जो हैं वो अपनी राय दें, उनसे उनकी राय ली जाएगी और उसके बाद ही उसके अनुसार जो है फैसला किया जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 16 अगस्त से प्राथमिक से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए मामले काफ़ी कम हो गए हैं। गोवा और जम्मू कश्मीर में अगले माह में स्कूल खोले जाने की योजना है। गोवा में यहाँ 15 अगस्त के बाद 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जो हैं शुरू हो सकती हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में अगस्त में शुरू स्कूल कॉलेज को खोलने और शुरू करने का विचार किया जा रहा है। बात करें कोरोना की सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए महाराष्ट्र राज्य की, तो कुछ राज्य जैसे कि हरियाणा है, गुजरात है, पांडिचेरी है, उड़ीसा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, बिहार में सीनियर बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज जो हैं वो खोले जाएंगे। हालाँकि इन राज्यों में फिलहाल एक दिन गैप कर बच्चों को बुलाया जा सकता है। अभी आधे बच्चों को ही बुलाया जा रहा है, वो भी अभिभावक या माता पिता की सहमति से ही बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है। इन राज्यों में सबसे पहले बिहार में स्कूल कॉलेज खोले गए। बिहार के बाद 12 जुलाई को 11वीं 12वीं के जो कॉलेज हैं वो खोल दिए गए। तो ये थी सभी बड़े राज्यों की स्कूल खोलने को लेकर अपडेट। आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस स्कूल कॉलेज से जुड़ी हुई शिक्षा जगत से वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। स्कूल जो हैं वो नहीं खुल रहे हैं, मगर ऐसे में नया एकेडमिक सेशन तो शुरू हो गया है ना। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों ने जो है अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी, परंतु अब भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद तैयारी ना शुरू कर पाए। उनसे गुजारिश है कि समय रहते अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मोस्टली आप में से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो यूपी स्टेट बोर्ड से पढ़ते होंगे, और आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज़ है अन अकेडमी की तरफ से। अन अकेडमी में रिसेंटली लॉन्च किया है यूपी स्टेट बोर्ड के लिए अपना प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको फ्री लाइव क्लासेस जो हैं वो मिलेगी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन लाइव क्लासेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पोल कर सकते हैं, और जो आपका लेजर बोर्ड है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक्सेस कर सकते हैं जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस है उनको, आप कभी भी किसी भी टाइम लर्न कर सकते हैं कहीं से भी इन रिकॉर्डेड क्लासेस से। साथ ही साथ आपको फ्री में लाइव टेस्ट सीरीज देने का मौका मिलेगा जहां पे आप एनालिसिस कर सकते हैं क्लासेस को थ्रू टॉप एजुकेटर्स। आप किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी हो इंग्लिश हो, आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप एनरोल कर सकते हैं अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज बैचेस में, जहां पर पूरा सिलेबस जो है बारीकी से एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको सिखाया जाएगा, और आपको इसके साथ साथ एक रिमाइंडर जो है टाइमली दिया जाएगा जिससे कि आप अपनी क्लासेस जो है कभी मिस भी ना करेंगे। साथ ही साथ आप डिटेल्ड रिपोर्ट एनालिसिस हर टेस्ट के बाद आप तक पहुंच जाएगी, और ये सब चीज़ें आप पीडीएफ फॉर्म में भी एक्सेस कर सकते हैं। सारा लर्निंग मटीरियल जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा जिससे कि आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। इतने सारे फीचर्स टोटल फ्री हैं। इसके साथ साथ अगर आप अन अकेडमी का पेड सब्सक्रिप्शन भी लेना चाह सकते हैं तो वो भी अवेलेबल है। इन सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए आपको मेरा कोड जो है पूनम11 वो यूज़ करना होगा, जिससे आप ये सारे फीचर्स को अनलॉक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पूनम11 लेते हैं, तो उस पर आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये ऑफर जो है एक खास समय तक के, लिमिटेड समय तक के लिए आप लोगों के लिए है। तो सभी स्टूडेंट से मैं ज़रूर कहूँगी कि आप सब लोग इस प्लेटफॉर्म पर ज़रूर एक्सेस करें।